ये आग रही और ये देग रही लंगर की, नहीं नॉर्मल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देग बनाई है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयद अली बहादुर। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तकरीबन लंगर श्री पकाते रहते हैं, जो अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, सारा ही अल्लाह पाक ने दिया हुआ है उसमें से उसकी राह पे। तो आज देग बनाई है और अभी ना बस इधर तकरीबन जो हमारे करीब करीब के दुकानदार हैं, दुकानदार ही हैं चूँकि साथ दुकानें, उनको तकसीम करनी है आज। मेरे ख्याल अबू जी का प्लान है कि इधर उनको बुला के ना पेश कर देंगे। दलिए की देग बनाई है ना। देग तैयार हो रही थी तो मैं साईयों की बर्थडे वाली वीडियो एडिट कर रहा था, काफ़ी लंबी थी तो इसीलिए देग उतने में तैयार ही होगी। हम पहले इसको व्लॉग में ला ही नहीं सके, इतना पानी डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, जो भी इसमें डलता है वो वाला। ये कारपेट वगैरह ले आए और जग शग पानी शानी का इंतजाम। अभी मैं उठाने जा रहा हूँ झाड़ू, झाड़ू उठा के उधर सफाई करनी है ना, जहाँ ये कारपेट डालने हैं वहाँ, इसे झाड़ू कहते हैं। इधर सफाई की जा रही है ताकि ये कारपेट इधर डाल देना। और ये मेरे अबू जान हैं। कितने चमचे ले आने हैं? 60 प्लेटा, 60 60 दो में सही। जाग कितने ले आने? 5 मुकदो ही नहीं। झाड़ू मैं ही दे रहा था लेकिन अली माम ने फिर मुझसे ले लिया। ये तो फिर नेकी का काम है, जो मर्जी कर ले। मैंने कहा चले उसे दे ही दे। ये ऊपर ऊपर से बस कख छापर वगैरह पड़े हैं, ये हट जाए ना तो फिर इधर कारपेट डालते हैं। आए जी हाँ जी, दुआ मंगी है जब शुरू करिए। आ जाओ ठीक, आ जाओ आ जाओ। वही मुकार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयदना मोहम्मद वाला, सैयदना मोहम्मद वाला, या अल्लाह तेरी मखलूक तेरे पर मबूक हो, तेरे पाक दरबार में अपनी शान करीमी दा वास्ते, तेरे पाक दरबार से थोड़ा करे दा मकसद रख के ता अपने पाक बार आया दर्द विच बरकत रहा मत सुनो नी तेरी मखलूक तेरे पर मबूक हो, तेरे करम रहम राम ता कर सुना श्लोक पाक सुनाता हूं तेरी तरफ जाए मां दे सिरात अल मुस्तकीम दे हदायत वाले रसूल मेरे सारा वास्ते दुनिया और आखिरत देर तक दे चुका अल्लाह में याद वदा लाज वदी ना हो जा कर वाला सुनो समाज वर दीन अदला जर नहीं करता मान तो खैर अल वारिस ला इलाहा इल्ला अंत सुभाना दीन कुन यार बिग सर दी भाबली मन अल्लाह यम दीला यार बिग सर दी भाबली मन अल्लाह यम दीला यार बिग सर दी इलाहा इल्ला अंत सुभाना दीन अल्लाह पाक के हुजूर अबू जान ने दुआ की, सही कबूल फरमाए, बिल्कुल ज़रा सा है और मज़ीद ज़्यादा करने की तौफीक दे फरमाए। प्लेट्स इसमें हैं। सलीमा तो यहीं कर दे। सलीमा
ओए रेडे तो हो ले जाए तो ले जा। बिस्मिल्लाह आई में हैक रखवा जी आधे हिस्से दे तौर पे। अबू जान कह रहे हैं इधर पूरी होंगे, मैं कह चलें अपने हिस्से के तौर पे एक रख देते हैं। माशाल्लाह ये प्लेट्स ली हैं, अभी इधर भाई जानों को बुलाएंगे और वो लंगर कर लेंगे सरकार का सदका। तो बाकी इस जगह थोड़ी गुंजाइश बनाते हैं ऐसे, और ये लग गई बेहतरीन हो गया। अल्लाह ताला खुद ही कुरान करीम में फरमाते हैं कि उसका तर्जमा मतलब मफहूम कुछ इस तरह से कि जो माल हमने आपको दिया है ना उसमें मेरी राह पे खर्च किया करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत खर्च करते हैं, हम बिल्कुल नहीं करते इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन हम सबको बहुत ज़्यादा खर्च करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हुक्म हमें दिया है जैसे कुरान करीम में ना। ये मोहम्मद इस्माइल है, इन्होंने ही लंगर पकाया। इस्माइल और आखन इस्माइल आंदा जी मेरी वीडियो बनाओ हुण ओ गां ला क्या मैं ला ला। अच्छा ला लांदे दी बनावा चलो लाओ जी। माशाल्लाह स्याने पुत्रां ले घर काम करना है। अच्छा देख के मैं पकाइए लकड़ी डाल दे पकाइए। लकड़ी डाते जारे पकदी है कोई ऐवें तो नहीं पकदी। हाँ जी बिल्कुल लकड़ी डाते पकाई है, उन्होंने हलाया घ्यो पाया चीनी पाई दाल पाई सारा कुछ उन्होंने बुनना पकाया। सही है। कितने अरसे तैयार होती है? कितने च कितने टाइम च तैयार होती है? 2 घंटे। दो घंटे लग जाते जी। चलो सही। चलो जी मेहरबानी मेहरबानी। और ले आओ जी ये मोहम्मद इस्माइल इन्होंने ही ये देख लंगर वाली पक बनाई है ना। छे भाई लिए जा रहे हैं लंगर। वो कहते हैं जो ये बीच में हिलता है तू खा तो ना चीज़े। कुछ भाई आ गए हैं, कुछ भाई आ रहे हैं और लंगर शरीफ शुरू है। सरकार ना भी है लंगर हो गया हूँ की जा करना है ਹੁਣ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਜੋ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਨਾ ਮਠਿਆਈ ਬਣੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਲਾ ਕਿਸ ਲਈ ਆ ਸਬਾਲਾ ਜੋ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਲੇਬੀ ਲੈ ਜਾ ਸਜੜੀ ਲਿਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਧੇ ਵੇਖ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਸੀ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਚ ਮੇਲਾ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾ ਵੇਖ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸੁਬਾ ਵੇਖ ਸੀ ਸੁਬਾ ਚਰਾਗਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਚਰਾਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ये मोहम्मद शफी हैं हमारे उधर पीछे गांव वाले के हैं ना, तो ये इधर शहर में काम शाम करते रहते हैं। और अभी आपको पता है जो लोग मोछा डालने वाले हैं वो तो आप भाई मोछा पार्टी आ चुकी है। प्रोग्राम चल गया सर तुसी लेट हो गए। मोछा प्रोग्राम चल गया और भाई दी मैं आपको वीडियो नहीं बना सका आज, आसिफ खान ने इतना खाया है। आसिफ खान शाम से खाना नहीं खाया? नहीं परसों तो बांधा खाना सर। परसों तो बांधा? अच्छा मो टाइम ना लावा को देख शेक दा हिसाब रखिया देख ता हाय जी अद तो मैं खा गई। नहीं ओ देख दे विचू खावण दा कोर मजा सही। असले ना हटामी बहुत एक मशहूर उर्स होता है पूरे पाकिस्तान में बल्कि बाहर के कुछ ममालिक में भी बहुत मशहूर है ना, हजूर बाबा हाजी शेर के नाम से हैं। और उनसे पहले कोई आधा किलोमीटर तकरीबन साईं जी का एक पंप है और उधर के कुछ पेंट शेंट कराया है उसकी वजह से सेटिंग शेटिंग ना। और असफान अभी हम फिर उधर जा रहे हैं जी टूटी पेट्रोलियम सर्विस बाबा हाजी शेर, उस मुबारक के मौके पे उसके कोई इंतजाम वो देखने जा रहे हैं। सही है। तो आसिफ खान को हमने कॉल की कि आए लंगर कर लें, लंगर इन्होंने किया और कहा कि जी आए चलें। मैंने कहा यार तैयारी शैयारी कर लें, कहते हैं मैं भी तैयार होकर नहीं आया, आप भी ऐसे चलें। मैं तो नाता खड़ा पसीने हाँ आंदा मैं तो पसीने ना नाता खड़ा। तो ऐसे हम जा रहे हैं बस इंतजाम देख के वापस आते हैं फिर देखते हैं। उधर से तो होके हम आ गए बस, उधर की इतनी ज़्यादा वीडियो ना बन सकी और मसरूफ़ रहे काम शाम देखते रहे, उसके बाद फिर वापसी आए हैं। अभी देखते हैं क्या प्लान होता है।
कल तो फिर उर्स पे जा ना हो सका, बस ऐसे फिर कुछ लेट भी हो गए, वापस आए और उसके बाद फिर घर लेटे शेटे रहे, इजी माहौल हुआ, ये वो सारा इस तरह की सूरत हाल चलती रही। आज इंशाल्लाह उर्स पे जाएंगे, आज चूंकि चिराग हैं और चिरागों का जो उर्स पे लोग जाते हैं उनको पता ही होगा। अभी की सूरत हाल कुछ ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ रिवर सतलुज पे, मेरी खाला आ रही हैं उनको लेने के लिए ना, पीछे से एक और भाई आ रहे हैं मतलब उनके शोर, और आगे से मैं उनको लेने जा रहा हूँ, वो इधर हमारे गरीब खाने आ रहे हैं ना, तो इस तरह की सूरत हाल है। फिर अभी बस पहुँचने वाला हूँ रिवर पे, छाँव आई बड़ी मज़ेदार सी, तो मैंने कहा चलें व्लॉग को कंटिन्यू कर लें। कच्ची सड़क का सफ़र है, ज़ाहिर है रिवर का इलाका कच्चा इलाका ही होता है, तो बारिश भी ताज़ा हुई हुई है, धूप शूप निकली हुई है जिसकी वजह से कीचड़ वगैरह खुश्क हो गया हुआ है ना। कज़न्स को लेके हम आ गए हैं। अमन कैसे हैं आप? अच्छा। अच्छे हैं। और ये आपने स्टिकर इसका उतारे नहीं ऐनक का? नहीं। क्यों? डिज़ाइन है। अच्छा, और तेरी तबीयत से ठीक है? केड़ी क्लास से पढ़ना है? दूसरी। अच्छा, बुखारी तेरा क्या हाल है? तू तो छोटा रोनाल्डो लगता भी है। रोनाल्डो कौन है पता है? कौन है? आए सही है, माशाल्लाह ये दो भाई हैं मेरे कज़न हैं, तो इनको लेके आ गए। आ जाओ चलिए हम घर, यहाँ पर चल रहे हैं। हाँ मन ला दे, कोई भी शैल हमनी है ना नवी, उधर स्टिकर ला दे, हमने स्टिकर सही नहीं लगता, ठीक है ना। अब एक मैं आदि मोबाइल द लाई बना ना, ठीक है ला दे तू ही, पट दे। और अच्छा उतार गया, वो गिर गया। अच्छा है सामान हमने लिया, लेमन आम वगैरह। कभी कभी ऐसे होता है व्लॉग अगला शुरू हो जाता है और पिछले पार्ट व्लॉग एंड पार्ट रह जाता है, तो वो फिर हम बाद में करते हैं जब एडिट कर रहे होते हैं कि यार व्लॉग का तो एंड ही नहीं किया हमने। खैर कल वो मेहमान आ गए तो फिर खाने पीने की चीज़ों में अली माम शाह मदरसे थे अली स्टैंड शाह पम्प पे, मुझे मैं घर आया हुआ था उस वजह से फिर खाने पीने की तमाम तर चीज़ों में हम ही मसरूफ रहे, तो यही सूरत आ रही। नेक्स्ट वाला व्लॉग बड़ा मज़ेदार होगा इंशाल्लाह, उर्स का है आप ज़रूर देखिएगा। तो व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक की